तुम्हें नेमत को कॉल करने की क्या जरूरत थी यमन? मैंने सोचा शाइस्ता अगर मैं नेमत को नहीं बताऊंगी तो कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए। ओके मैडम, बता दिया मैंने उसको, सारी आउटिंग खराब हो गई तुम्हारी वजह से, नाराज हो रहा था नेमत। गुस्से में है क्या? हाँ बिल्कुल। फिर तो मुझे बता देना चाहिए कि क्या हुआ। एमन, बताने देना। तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो पहले काफी गुस्से में है तुम्हारी वजह से, अब उससे बात करने जाओगी तो जाहिर है उसे और गुस्सा आ जाएगा। सुन लो, गौर से सुन लो, आप इस बारे में अब कोई बात नहीं करना, समझी तुम? हाँ समझ गई मैं। ऑलरेडी तुम्हारी वजह से लड़ाई भी हो चुकी है हमारी, इसलिए मुंह बंद रखना। गुड इवनिंग बाबा जान। गुड इवनिंग बेटा। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, बस यहाँ बैठा हुआ टीवी देख रहा था, सो गया। तुम लोगों की बातों की आवाज आई तो आंख खुल गई। मुनज़्ज़ा बेटा, तुम्हारे बगैर तो बहुत उदास हो गया था मैं। इंजॉय किया तुमने? जी बिल्कुल अंकल, लेकिन साथ चलना चाहिए था आपको भी, यूं बोर घर में बैठे रहने का फायदा। अगली बार साथ चलूंगा मैं, वैसे मैं बोर नहीं हुआ बिल्कुल। मेहमत का एक दोस्त आ गया था तो वो बैठा रहा यहाँ पे। मेहमत का दोस्त बाबा? मुझे वो मेहमत तो बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन ये जो इसका दोस्त है ना, बहुत अच्छा इंसान है। जैसे ही मेरा पैर फिसला, मैं जमीन पे गिरा, वो फौरन आया और मुझे अंदर उठा के लेके आ गया। मेहमत का ऐसा कौन सा दोस्त है बाबा, क्या जानता हूँ मैं उसे? चाय बाहर गार्डन में ले जाऊं मैं? एमन, क्या सोच रहे हो यहाँ खड़े हुए? चलो सबके लिए चाय बना दो। अहमद साहब के लिए सिर्फ कॉफी बनाई थी, आप कहती हैं तो और बना के ले आती हूँ। माफ कर दो एमन, अगली बार जब सबने चाय पीनी होगी तो पूछ लेंगे पहले तुमसे। अब आप जाएंगी? शाइस्ता भी जानती है उसे। वो जो तहनियत की पार्टी वाले दिन आया था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उस दिन तो बहुत लोग आए थे बाबा, आप किसकी बात कर रहे हैं मुझे याद नहीं है ठीक से। वैसे मेहमत जैसे इंसान का इतना अच्छा दोस्त होना बहुत अजीब लगता है मुझे तो। आज हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया बाबा, यहाँ तक कि मुनज़्ज़ा और हलील ने तो शादी की जगह तक पसंद कर ली है। क्यों एक चीज के पीछे पड़ गई? नाराज क्यों हो रहे हो, ऐसा क्या कह दिया? ठीक तो कह रही हूँ मैं, मुनज़्ज़ा को पसंद आई है वो जगह। उस वक्त भी क्लियर किया था कि शादी के लिए मुझे कोई जल्दी नहीं है। कुछ कहना है क्या तुम्हें एमन? कॉफी तैयार हो गई है, यही पियेंगे क्या? मेरे लिए यही ले आओ एमन, मैं चल नहीं सकता ज्यादा। जी ठीक है। सुनो, शाइस्ता ने यह बात नेमत को नहीं बताई होगी। हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो नेमत को यह बात नहीं बताएगी। या अल्लाह, और अगर उसने बता दिया ना, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस घर में क्या तूफान आ जाएगा। वो लड़का तो इस घर को तबाह बर्बाद करके छोड़ेगा। हाय, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बताऊं तुम्हें, इस घर की सारी परेशानियां यहाँ गले तक आ गई हैं और रोज एक नई मुसीबत। शाइस्ता, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना तुम, अब मैं रखती हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज। अरे अल्लाह, आप यहाँ इस वक्त? शाइस्ता, क्या नेमत साहब ने मुझे बुलवाया है? सब खैरियत तो है ना? शर्म करो एमन, हर वक्त क्या तुम्हारे लिए बुरी खबर ही होगी मेरे पास? क्या सिर्फ बात नहीं कर सकती मैं तुमसे? माफ कीजिएगा, यह मेरा मतलब नहीं था। अरे आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? यहाँ ये ना, बैठ जाइए आराम से, जगह साफ कर ली है मैंने, बैठ जाइए। नहीं शुक्रिया, मैं ये कह रही थी बस कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी है मैंने एमन। तनख्वाह? हाँ तनख्वाह मैंने बढ़ा दी है, तुम्हें तो पता है कि कर चुकी थी तुम बात, लेकिन नहीं मानी थी किसी ने। जी मालूम है। इतना हैरान क्यों हो रही हो तुम? अगर तुम खुश नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं बढ़ाती तुम्हारी तनख्वाह। अरे बिल्कुल ऐसी बात नहीं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ, आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया शाइस्ता। ठीक है। हाँ, तुम्हें जो कहा था वो तो याद है ना तुम्हें? क्या? आप जो कुछ मुझे सुबह बताती है ना, पता नहीं क्या है, मैं शाम को उसको भूल जाती हूँ। वो शख्स जो आया था आज यहाँ, उसके बारे में तुम किसी को नहीं बता रही। देखो नेमत जैसे उसका नाम सुनता है गुस्सा हो जाता है वो, भूल जाओ जो हुआ सब।
अगर आप चाहती हैं कि मैं भूल जाऊं तो मैं पहले ही भूल चुकी हूं। शाबाश एमन, मेरी बात इसी तरह मानती रहोगी तो फायदे में रहोगी, समझी? कुछ और नहीं, अपना फायदा सोचो तुम। गुड नाइट। ठीक है, शब बख़ैर। हेलो शाइस्ता आई थी, अल्लाह क्या बताऊं तुम्हें मैं कि क्या हुआ है, उसने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी है। हाँ उसने रिश्वत दी है मुझे। और हाँ पता है, वो ये सोच रही है कि फैयाज वाली बात का जिक्र मैं किसी से भी नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं ये बात हर एक को बताऊंगी। क्या हुआ, क्या बात करनी थी तुम्हें? क्या बीना की कोई बात है? नहीं भाई। तो फिर क्या है? मुझे कुछ बताना है आपको भाई। क्या साहद? मुनज़्ज़र से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं उससे। रहने तो ये बात, आज बात होगी। मैं जानता हूँ मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन ये कोई गलती नहीं है। पापा को भी कहूंगा। क्या कहोगे उन्हें? हाँ? एक बच्चे के बाप बनने वाले और दूसरी लड़की से मोहब्बत हो गई तुम्हें? हाँ? भाई मैं आपको हजार बार कह चुका हूँ कि वो बच्चा मेरा नहीं है। देखो खुद तुम अभी श्योर नहीं हो कि वो बच्चा तुम्हारा है कि नहीं, और वैसे भी मुनस्सा तुम्हारी कजन है, उसकी भी जल्द शादी होने वाली है। मुझे परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है, मुझे मुनज़्ज़ा के अलावा। मैं प्यार करता हूं मुनज़्ज़ा से और वो भी करती है मुझसे। कैसे कह सकते हो? जानता हूं ऐसा ही है। मैं मेंटली तैयार नहीं हूं शादी के लिए अभी। एक बार फिर सोच लो साहब, कुछ अंदाजा है कि बाबा क्या सोचेंगे ये सुनकर? कुछ नहीं कहेंगे बाबा, वो बात सुनेंगे भी और मान भी लेंगे, मुझे पता है। बात सुनो, ऑलरेडी तुम्हारी वजह से काफी कुछ सह चुकी है हमारी फैमिली अब तक, भूल जाओ ये सब। भाई मैं कह चुका हूं आपसे कि नहीं छोड़ूंगा उसे, मुनज़्ज़ा के बगैर मैं नहीं रह सकता, पहले कह चुका हूं मैं, और कुछ भी हो जाए इस बार पीछे नहीं हटूंगा। मैं सोच चुका हूं। क्या हुआ, शौक खत्म नहीं हुआ तुम्हारा आज? आईने को दिखाओगी खूबसूरती अब? क्या हुआ नेमत, क्या मतलब? तुम अच्छी तरह जानती हो क्या मतलब है मेरा, क्या जरूरत होती है खुद को पोस्ट करने की हलील के सामने? कुछ नहीं, बस फोटोग्राफ चाहती थी नेमत। हम पहले भी तो इस तरह फोटोग्राफ्स खिंचवाते रहे हैं, पहले तो कभी नाराज नहीं हुआ इस तरह। वो पुरानी बातें थी, कुछ मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। पॉजेसिव क्यों हो रहे हो तुम? मैं आज भी तुम्हारी ही हूं ये यकीन रखो तुम, लेकिन मैं भी नहीं चाहती कि तुम दूर रहो मुझसे। रहने दो शाइस्ता, थका हुआ हूं मैं। सात को उठाया तुमने एमन? सुबह जल्दी चला गया था मुनज़्ज़ा को साथ लेकर, वो टीचिंग सेंटर छोड़ देगा। नाश्ता क्यों नहीं किया उन्होंने हमारे साथ? मैंने उनसे कहा था कि नाश्ता कर ले, मगर उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। नेमत क्या सोच रहे हो तुम, एमन से कहूं ऑमलेट बनाए तुम्हारे लिए? नहीं करना नाश्ता मुझे। तुम क्या ढूंढ रहे हो? सेलफोन, सेलफोन कहीं रह गया मेरा। लेके आती हूँ, मैं रूम में होगा। नहीं नहीं मैं खुद जा रहा हूँ, ले लूंगा कमरे से, चलता हूँ मैं।
अच्छी बात है। ठीक है शाइस्ता बेटा, ये जरा ब्रेड तो पास करो मुझे। अगर आपको और चाहिए तो मैं फ्राई कर देती हूँ शाइस्ता। मैं कर लेती हूँ हेमंत, तुम बाबा को चाय दो ताजा बना के। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें कल से अब तक। मैंने भी। तुम सच कह रही हो? सिर्फ तुमसे मिलने की खातिर अपनी क्लास मिस कर चुकी हूँ मैं, और आज तो एक टेस्ट भी था मेरा। तो बुरा लग रहा है तुम्हें? अगर तुम कहती हो तो अभी फौरन लेके जा सकता हूँ मैं तुम्हें। नहीं, इसलिए नहीं बताया तुम्हें। साथ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ बहुत सारा। तो तुम्हें किसने रोका? हलील, क्या मैं तुमसे कुछ देर बाद बात कर सकती हूँ? क्लास में हूँ इस वक्त। ओके बाय। आखिर कब तक चलेगा ये सब कुछ? क्या हर वक्त का झूठ जो ये तुम बोलती हो उससे तंग आ चुका हूँ। तो फिर क्या करे बताओ? तुम साफ कह दो हलील से, किस चीज का इंतजार है आखिर? उसके साथ क्यों अब तक? तुम इससे कह क्यों नहीं लेती कि तुम्हें नहीं है उससे मोहब्बत? क्या उससे मोहब्बत है तुम्हें? I don't love him. और तुम इससे शादी भी नहीं करना चाहती ना? हाँ यही बात है। हाँ तो फिर ठीक है, भाई से भी कल बात कर चुका हूँ मैं। गुस्सा हुए क्या वो? कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल गुस्सा नहीं है। पापा से भी बात कर रहा हूँ मैं। तुम क्या कहोगे अंकल से? हर चीज जो जानता हूँ मैं बताऊंगा कि मोहब्बत है तुमसे, और ये कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ। थोड़ा वेट करो, ऐसा ना हो कि वो गुस्सा हो जाए। हमें बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। वेट नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ कि दिन कैसे गुजरता है तुम्हारे बगैर। मैं इस मामले को अब मजीद डिले नहीं कर सकता। ठीक है, मैं भी हलील से बात करती हूँ। मैं कहूँगी उसे कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती अब, मगर बीना का क्या होगा साथ? वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम सच कह रहे हो? मेरे और तुम्हारे दरमियान अब कोई नहीं आएगा, यकीन करो मेरा। मेरे और तुम्हारे दरमियान अब कोई नहीं आएगा, यकीन करो मेरा। क्या सोच रही हो तुम? आज मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, जो दिल चाहे करो। नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया। इन लोगों के लिए मेरे पास एक दूसरा प्लान है। जी नेमत बोलिए। हेलो मुनस्सा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, टीचिंग सेंटर में हूँ सवेरा के साथ। वो मैं कह रहा था कि मुमकिन होगा ये कि तुम लंच आज साथ करो मेरे? ओके, मगर कहाँ ने? ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं भाई? कोई बात करना चाहते हैं मुझसे, साथ वही बात होगी, जानती हूँ अच्छी तरह मैं। हाँ तो ठीक है, जाओ। साथ एक बार फिर सोच लो, नेमत अगर मुझसे कहेंगे तो क्या कहूँगी मैं उनसे? तो मुझसे सब कह दो, मुझे कह दो कि प्यार करती हो तुम मुझसे। हली से जब तक बात नहीं हो जाती, नेमत को कहने का क्या फायदा? साथ तुम खुद बताओ वो क्या सोचेंगे। हलील से भी ताल्लुक खत्म कर दो और भाई को भी बता दो। ये हो जाए तो हम दोनों पापा से भी बात कर लेते हैं आज, ठीक है? वादा करो मुझसे। वादा।
बहुत बहादुर है ये, तो किसी से भी नहीं डरता। कोई और इसी जगह होता तो कब का भाग चुका होता। शुक्र अम्मी नेमत फयाज को नहीं जानता, वो यही समझता है कि वो मेहमत का दोस्त है। याद है ना उस वक्त यही कहा था हमने कि वो मेहमत का दोस्त है। हाँ याद है, मुझे देख लिया था उसे हिम्मत ने, लेकिन एक ही बार देखा था, उसे याद थोड़ी होगा। याद है उन्हें, ऐसी बातें नहीं भूलते वो। जानती हूँ मैं अच्छी तरह, सब कुछ अच्छी तरह जानती हूँ। कितनी बड़ी चीज है तुम्हारे ये ससुर, जो काम से करना होता है करके तुम लेता है। शुक्र है कि फयाज ने कुछ नहीं बताया उन्हें, मेहमत का दोस्त बनकर ही बात की है उसने। लेकिन ये फयाज अहमद से मिला कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों एक दूसरे को जानते हो? अम्मी ईमानदारी की बात तो यह है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो बस एमन का फोन आया कि वो घर पे बैठा हुआ है। अगर उसने मेहमत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं कभी नहीं चाहूंगी उसे किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचे। किस कदर सेल्फिश इंसान हो तैनियत, बस अपने शौहर की फिक्र है तुम्हें। मैं जिस मुश्किल में हूँ उसका नहीं सोच रही तुम। हद होती है किसी चीज की, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। खामोश। हाय, जब भी मुझे कुछ बुरा लगता है मैं फौरन शॉपिंग के लिए चली जाती हूँ। तहनियत, बेबी की शॉपिंग के लिए चले? आपा, आप भी हमारे साथ शॉपिंग पे चले ना। ठीक है चलते हैं, मैं कुछ नए कपड़े खरीद लूंगी नेमत के लिए। सुबह कह रहा था कि नए कपड़े चाहिए उसे, शॉपिंग मैं ही करती हूँ नेमत की। अगर उस वक्त तुम वहां होते ना तो तुम्हें पता चलता कि मैं गुस्से में क्यों हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? मुनज़्ज़ा ने तो मुझे बताया था कि वो सेंटर में है। अच्छा तो उसने ऐसे कहा? फिर तो साथ ही उसका नया टीचर होगा है ना हलील? काश इस मसले को फौरन हल कर देता मैं किसी तरह। देखो अपनी मक्कार मंगेतर को जाके कह दो कि मेरे साथ का पीछा छोड़ दे। वो कैसे चिपक रही थी उससे, मेरा तो दिल चाह रहा था कि गला दबा दूं मैं उसका। जाके बस बिना बात हो गया, आदमी कुछ सोच भी लेता है बोलने से पहले, जो तुम्हारे मुंह में आता बोलती रहती हो। मेरे पास इस मसले के लिए एक प्लान है, अगर तुम मान जाओ तो हम दोनों के मसले हल हो सकते हैं। वाकई में? बताओ मुझे। इस प्लान के बाद वो दोनों कभी एक दूसरे के साथ नजर नहीं आएंगे। इस प्लान के बाद वो दोनों कभी एक दूसरे के साथ नजर नहीं आएंगे। ऐसे अहमद अंकल के जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। जानता गुस्से में आप। मैं क्यों करूँगा तुम पे गुस्सा? मैं तो इस काबिल ही नहीं समझता तुम्हें कि गुस्सा करूँ तुम पे। लेकिन अहमद अंकल मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन उसकी सजा मिल गई मुझे। आप एक चांस तो दे मुझे प्लीज, बता रहा हूँ नाज होगा आपको मुझ पर, वादा करता हूँ मैं। कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। कुछ तो सोचिए आप अहमद अंकल, अगर मुझे ये जॉब ना मिली तो मेरे हिटलर साहब यानी मेरी अम्मी घर से बाहर निकाल देंगी मुझे। ओ, पैरहन तुम्हें घर से निकाल ना दे ये खौफ है तुम्हें, वरना तुम काम ना करते है ना। नहीं कल मेरा ये मतलब नहीं था, मैं काम करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स मुझे घर तो चलाना है ना अपना, और अगर नौकरी नहीं होगी तो बीवी बच्चे का खर्चा कैसे संभालूंगा मैं। अब तो औलाद भी होने वाली है और आपको पता है कि फिर खर्चे कितने बढ़ जाते हैं, इसीलिए आपके पास आ गया। और वैसे भी खुद को काफ़ी बदल चुका हूँ मैं, वो पहले वाला महमद नहीं रहा मैं। ये सब पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। बहरान ये अच्छी तरह जानती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, फिर क्यों भेजा उसने यहाँ? नहीं नहीं, उन्हें तो ये बात पता ही नहीं कि मैं आपके पास आया हूँ, मैंने अभी तक नहीं बताया किसी को। दोस्तों से ही शर्म कर लो कुछ, कितना अच्छा और शरीफ इंसान है तुम्हारा दोस्त। कल ही मिला उससे, वो बुरे बालों और बुरी आंखों वाला, इतना अच्छा इंसान है वो। और तुम जरा अपने आप को देखो। कौन? इल्मी? हाँ वो तो बहुत अच्छा इंसान है, मैं वादा करता हूँ आपसे अंकल कि मैं अब बिल्कुल उससे संबंध की कोशिश करूंगा। होना भी चाहिए तुम्हें उसकी तरह। हिलमी नाम है उसका? जी हिलमी नाम है उसका। अहमद अंकल जाने दे, हिलमी को एक तरफ रखे, असल मौसम में बात करते ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी पता है मुझे, लेकिन आप मुझसे बड़े तो माफ कर दे मुझे। मैं अहमद से बात कर लूँ पहले, फिर बताऊंगा।
अंकल अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू वेरी मच अंकल, थैंक्स। देखो बेटा कुछ समझदारी से काम, अच्छे दोस्तों से कुछ सीखने की कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल अहमद अंकल, आज के बाद हिलमी जैसा कोई भी बंदा मिलेगा ना उसको दोस्त बना लूंगा। अच्छा ठीक है जाओ। बिना कर लोगी ना तुम ये काम? हाँ हाँ बेफिक्र रहो। ओके गुड लक टू यू, याद रखना ये आखिरी मौका है। हाँ कर सकते हो। अरे आप तो बिल्कुल चेंज लग रहे हैं, मैं तो पहचानी ही नहीं आपको। तुम वाकई नहीं पहचानी मुझे? हाँ बिल्कुल, मुझे भी ब्लू कलर बहुत पसंद है। ये गिफ्ट किसके लिए नेमर? तुम्हारे लिए, खोलो इसे। मेरे लिए? ओह वाओ, हर कोई हटा दो। बहुत खूबसूरत तोहफा है ये, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुश हूँ मैं। कल ही सोच चुका था जब बात कर रहे थे फोटोग्राफी कि गिफ्ट करूँगा तुम्हें। मेरे पास एक आइडिया है, ऐसा करते हैं कि इस इतवार को फोटोग्राफी के लिए चलते हैं हम लोग। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ ये। सच कह रहे हैं आप? हाँ वाकई। ये ऑर्डर किसने किया? मैं दे चुका था ऑर्डर लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे, तो तुम्हें पसंद आई थी ये डिश। यू आर अमेजिंग, आपको याद है सब कुछ? मुझे याद है लेकिन। नेमत, कोई बात करनी है आपको मुझसे? मुनस्सा, मेरी कल शाम साथ से बात हुई थी, उसने मुझसे कहा है सब कुछ। जानता हूं मैं कि वो दबाव डाल रहा है तुम पे। मैंने उससे कहा है कि तुम बिल्कुल नहीं चाहती ऐसा, क्योंकि साथ को तुम जानती हो बहुत अच्छी तरह। हाँ नेमत, मगर देखो तुम्हारे अंकल तुम्हें कितना चाहते हैं तुम्हें पता है, तुम भी उनसे बहुत प्यार करते हो, उन्हें करोगी परेशान? समझ गई। तुम ऐसा करो कि साथ से बात कर लो, कह दो उससे कि मुमकिन ही नहीं जो वो सोच रहा है, अपने अंकल का सोचो तो प्लीज। ठीक है कह दूंगी मैं। क्यों छुपाया तुमने सब? तो समझता था मैं तुम्हें, बस वही बची थी जिसने हमें पैसे दिए थे, क्या करता है इसके अलावा? यार हमजा अगर उसने पैसे दे दिए तो क्या हुआ, खरीद तो नहीं लिया ना उसने हमें पैसे से? उसने मुझ पे बहुत दबाव डाला यार, मैं फिर बेबस हो गया उसके सामने। हाँ तो तुम कॉल करते और मुझे बता देते, अगर तुमने आयदा ऐसी कोई हरकत करी तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा मैं। यार ऐसे तो मत बोलो। ठीक कह रहा हूँ मैं, भाई ने मुझसे वादा कर लिया था वो दे देते पैसे मुझे, थोड़ा सा इंतजार तो कर लेते। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता होता तो नहीं करता मैं ऐसा। तुम जानते हो मैं उस औरत को अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बार बार उसे वहीं लेकर आ जाते हो, हर चीज का तुम्हें पता है, हर बात बताता हूँ तुम्हें, क्या इस तरह मदद करोगी तुम मेरी? देखो उसी की कॉल आ गई, पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी से, असाब हो गई है। ये मेरा मसला नहीं है यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा बच्चा है और तुम्हारी जिंदगी। हाँ मीरा बोलो क्या हुआ? परेशान मत हो, अब तुम्हारे मुतालिक नहीं पूछूंगी, असल में मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ और कभी वापस ना आओ। प्लीज तुम अपनी बकवास बंद करो, बस ये कहना चाहती हूँ मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं है।
लेकिन उसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ पहुंचती है कि मैं कि तुम्हें बता नहीं सकती। इसीलिए मैं और तुम्हारा बच्चा तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। खुदा हाफिज। क्या बकवास है यार। हेलो बीना, क्या कह रही थी वो तुमसे? कह रही है मैं जा रही हूँ और पता नहीं क्या क्या। तो तुम भी तो यही चाहते थे। हाँ लेकिन इस तरह नहीं। काफी डिस्टर्ब लग रही थी आवाज से। तो ऐसे कैसे फोन रख दिया उसने, कोई गड़बड़ ना हो जाए। क्या मतलब? खुदकुशी ना कर ली कहीं, निकलता हूँ मैं। ऐसे कैसे फोन रख दिया उसने, कोई गड़बड़ ना हो जाए। क्या मतलब? खुदकुशी ना कर ली कहीं, निकलता हूँ मैं। क्या अपने फ्यांसी को कॉल कर रही हो? हर वक्त मत कहा करो ये। साथ को कॉल कर रही हूँ, बताना है उसे कि क्लास खत्म हो गई है। तो क्या वो तुम्हें घर छोड़ेगा आज? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें साथ से अभी भी कोई उम्मीद है? सवेरा शायद कह चुकी हूँ तुमसे कि पसंद है वो मुझे। ठीक है, मैंने ऐसा कहा और कहती भी रहूंगी मैं तुम्हें हमेशा। और वैसे भी आखिर में तुम्हें मेरे पास ही आना है। परेशान मत हो तुम, नहीं कहूंगी तुम्हें कुछ। तो तुम्हें अभी भी ये लगता है कि वो उसे छोड़ के तुम्हारे पास आ जाएगा? देखो हलील आ गया तुम्हें पिक करने। उस साथ से तो कहीं बेहतर रहेगी, कम अज कम उसको ख्याल तो है। मरहबा। मरहबा। कैसी हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? मतलब तुम्हें कैसे पता चला कि क्लास खत्म हो गई है? मैं तो बस गुजर रहा था यहाँ से, तुम पे नजर पड़ गई तो रुक गया। अभी कुछ देर पहले हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे दोनों, है ना मुन्ना साहब? लेकिन मेरा ख्याल है कि जिक्र कुछ अच्छा नहीं था। मुन्ना साहब जब भी मुझसे मिलती है खुशी नहीं होती सर। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस घर जाने का सोच रही थी। लेकिन मेरा तो ख्याल था कि हम कुछ देर बाहर बैठेंगे, कुछ कॉफी वॉफी पियेंगे। हलील फिर किसी दिन, मैं कुछ थकी हुई हूँ इसीलिए आराम करना चाहती हूँ बस। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी मुन्ना साहब। चलो फिर ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। खुदा हाफिज़ सवेरा। चलो मुन्ना साहब बाद में मिलते हैं हम लोग। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। वाकई? सोच रही हूँ कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। इतनी संजीदा क्यों हो मुन्ना? इसीलिए कि बात संजीदा है बहुत, शादी से मुतालिक है। ठीक है फिर तो होना चाहिए। अगर हमारी बात है तो फिर ठीक है, हर चीज पे बात करनी होगी हमें, बहुत कुछ सोचना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझ गया, लेकिन ऐसा करते हैं कि किसी होटल वगैरह में बैठते हैं। नहीं होटल वगैरह नहीं जाना, साहिल पे लेके चलो। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। बीना क्या हो गया तुम्हें? उठो बीना। क्या मेरे लिए आए हो? क्या हो रही है? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या किया तुमने और ये पिल्स क्यों खाई तुमने? एक मिनट साथ, तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं खुदकुशी करने जा रही थी? झूठ बोला तुमने। नहीं मुझे बुलाने के लिए तुमने झूठ बोला मुझसे। मैंने सोचा था खुदकुशी करने का, मगर मैं अपने बच्चे का कत्ल नहीं कर सकती। अब तुम मुतमईन होकर चले जाओ, लेकिन थोड़ा आराम करो। लो पानी पी लो। तुम मेरे लिए मुसीबत बन गई हो।
तुम क्या चाहती हो? साथ? मैं कुछ नहीं चाहती तुमसे। सीधी तरह बताओ चाहती क्या हो? आखिर तुम जाते क्यों नहीं हो यहाँ से? ये अब हमारा बच्चा नहीं, मेरा है। और इसीलिए मैं अब कोई भी टेस्ट नहीं करवा रही, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हारा ही बच्चा है। फिर वही बात, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कहीं मत जाओ, बस यहीं रहो मेरे पास। और कहीं भी मत जाओ तुम, लेकिन तुम्हें तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, है ना साथ? तुम्हें तो बस वही नजर आती है, वो नजर। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? यार क्यों नेगेटिव सोचती हो? क्यों लगता है तुम्हें ऐसा? मुझे किसी से कोई मोहब्बत नहीं है, समझी? तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ मैं। क्यों? कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। तुम इतने परेशान क्यों? यार बताओ ना। देखो, मैं नहीं जानती ये कैसे कहना चाहिए मुझे। तुम इतने अच्छे क्यों हो हलील? इसीलिए कि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे हलील। मेरा ख्याल है कि शादी का फैसला बहुत जल्दी में हो गया, मगर मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम मुझसे ऐसा कह रही हो? देखो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं हर चीज बहुत तेजी में हुई, बहुत कम वक्त में, समझता हूँ। लेकिन तुम किसी उलझन में हो, हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, उस वक्त तक इस मसले पे सोच लो तुम। हली देखो, मेरी बात सुनो। हेलो बीना, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ तुम्हें, क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और साथ को दोबारा परेशान ना करो, हम फिर एक होते हैं। साथ, मैं और हमारा बच्चा अब हमारी एक फैमिली हो गई है। वो मुझसे मोहब्बत करता है और अब देखो वो मेरे पास फाइनली आ गया। बीना बात सुनो, कोई शौक नहीं है तुम्हें सुनने का मुझे। तुम्हें जो कहना हो साथ से कहना जाके, मुझे परेशान मत किया करो। साथ नहीं करता प्यार तुमसे। वाकई में? तो फिर ये बताओ कि वो मेरे बेडरूम में क्यों सो रहा है? क्या, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आकर खुद भी देख सकती हो। हली मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं जल्दी कोई टैक्सी वगैरह ले लूँगी। रुको, हुआ क्या है? कुछ भी नहीं, मेरा एक दोस्त बीमार हो गया, उसे हॉस्पिटल देखने जाना है मुझे। मैं ले जाता हूँ तुम्हें। अभी ज्यादा खराब तो नहीं है उसकी? हाँ पता नहीं। खुशामदी बाबा, मैं तो कहता हूँ कि उससे आज ही कर लेते हैं बात, क्योंकि कुछ नहीं हुआ जब पहले मौका दिया था उसे। ठीक है, ओके, फिर शाम में होती है बात। नीमत, वो मुझे कुछ बताना है आपको। बोले अमन। असल में उस दिन जब अहमद साहब बाहर गए थे और उनका पांव फिसल गया था, तब जो आदमी उनको अंदर लेकर आया था वो फैयाज था। मैंने टेलीफोन किया था शाइस्ता को, लेकिन उसने मना किया बताने से। नेमत, बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम। ओह थैंक्स। मैं किचन में जा रही हूँ। कोई काम जो तुम ठीक से कर लो अमन, मेरी बातें याद नहीं रहती, मैं देख रही हूँ तुम्हें। सूट कर रही है बहुत तुम पे। मैं ये सोच रही थी कि मैं ही शॉपिंग कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, हमेशा मैंने ही की है, मगर लगता है कि खुद काफी बेहतर कर सकते हो तुम। हाँ कोशिश की है बस कुछ। एमन उस दिन के बारे में क्या कह रही थी? कुछ नहीं, मुझे तो यही पता है कि मेहमत का दोस्त था वो, बाबा ने यही बताया था, आपके सामने तो बात हुई थी कल। थक गए हो? कॉफी बना कर लाऊं तुम्हारे लिए, अगर दिल चाह रहा है तुम्हारा। ले।
मैं सर तो तुम्हारे नहीं, शुक्रिया, रहने दो और बाद में कर लेंगे वो बात। ठीक है।